हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यहाँ पे ये पीवीसी बैंड है जिसका यूज किया जाता है जब अपन मकान बनाते हैं तो वायर फिटिंग करते हैं, तो वायर फिटिंग की जो पाइप डालते हैं उसमें अपन को जहां पे भी बैंड देना होता है वहां पे इसको डाला जाता है। अब कभी आपने सोचा है कि हम भी घर पे थोड़ा सा मतलब बजट लगा के थोड़ा सा समय लगा के ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे यानी कि घर बैठे भी कमा सकते हैं? तो चलिए आज मैं यहाँ पर बीआर इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा आया हूँ जहाँ पे ये सारी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, साथ ही में जो मशीन है उसको कैसे स्थापित किया जाता है और उसमें कीमत कितनी लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्ते सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आपका परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी सर, मैं बीआर इंडस्ट्रीज से। सर जो ये बीआर इंडस्ट्रीज है अपना पीवीसी पाइप बेंडिंग का मशीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में दिखा सकते हैं कि मतलब कैसे मतलब ये मशीन काम करती है, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस रहती है और इसकी कीमत क्या है, वो सब कुछ। जी सर। सर तो आज अपन दिखाने वाले हैं मशीन कैसे वर्किंग करता है, इससे मटेरियल कैसे तैयार होता है, बैंड कैसे तैयार होता है, ये मैं आज आपको इस आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि इस प्लांट में मतलब कौन कौन सी मशीन खरीदनी पड़ेगी? जी सर। सर इस प्लांट में जो सेटअप इसका है, पहले कटर मशीन का है, शॉकेट मशीन का है, हीटर का है और बैंड मशीन का है और इसके साथ कंप्रेसर भी है। अच्छा मैम, आप बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा इसके लिए? जी सर। सर रॉ मटेरियल छोटी से छोटी मार्केट में हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे अगर एक पाइप अगर खरीदा है तो उससे कितने बैंड तैयार हो जाएंगे? सर एक जो पाइप मार्केट से खरीदते हैं वो 10 फीट का पाइप आता है, अगर 7.5 इंच के उसमें बैंड बनाते हैं तो 16 बैंड बनते हैं, वहीं किसी मार्केट में 8 इंच के 9 इंच के बनते हैं तो हिसाब से कम बनते हैं। अच्छा, उसके बाद में बात कर लेते हैं अब अपन यहाँ पर लाइव डेमो की कि मतलब किस प्रकार यहाँ पे ये मशीन चलती है और इसको क्या जेंट्स ही चला सकते हैं या फिर लेडीज भी चला सकती है, तो एक एक करके आप प्रोसेस दिखाए। जी सर। सर इस हिसाब से पाइप आता है, इस जो पाइप का है 10 फीट का पाइप आता है मार्केट से, इस पाइप के पहले इस टेबल पे कटिंग करना होता है, कटिंग करते हैं जो इस टाइप से कटिंग करते हैं 7.5 इंच का 8 इंच का, ये कटिंग किया हुआ पीस है इस टाइप से आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये कटिंग किए हुए पीस है, ये यहाँ पे देखिए ये दो हीटर लगे हुए हैं दोनों साइड, इस मशीन का जो प्रोसेस होगा साइड में हीटिंग का होगा। अभी देखिए मैं इस टाइप से मैं लगाती हूँ उन पाइपों को, इस टाइप से इन पाइपों को लगाते। अच्छा, ये दोनों तरफ यानी कि हीट हो जाएगा? हाँ सर, दोनों साइड है, बीच में हीट नहीं होगा, दोनों साइड हीटिंग होगा। ठीक है, इस टाइप से पीस लगाते हैं। अब ये नॉर्मल है 2 से 5 मिनट के लिए थोड़ा हीट करना होता है, एक बार हीट होने के बाद आप लगातार इनको लगाइए, लगातार हीट होते रहेंगे। इस मशीन में सर आपको कंप्रेसर का कनेक्शन भी करना होता है। अच्छा जी सर, और ये क्या दो डाइयां लगी हुई है जो इसके सॉकेट रेडी करेंगे इस टाइप से। तो इन डाइयों को ठंडा करने के लिए यहाँ पे पानी का भी कनेक्शन करना होता है। अच्छा, यहाँ से मोटर लगी हुई है? ये मोटर लगी हुई है और यहाँ पे कंप्रेस का कनेक्शन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये पेडल की सहायता से ये प्रेस करना है। जी सर, इस टाइप से पेडल की सहायता से इस टाइप से देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप से ये सॉकेट बन के रेडी हो गया। अच्छा, ये सॉकेट बन गया, अब अपन को नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है? जी सर, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो यहाँ से हीटर का होता है। ये आप हीटर देख रहे हैं, ये यहाँ पे पहले हीटर को ऑन करना होता है, ऑन करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना होता है। जो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर करना है सेट अपन को? सर टेम्परेचर नॉर्मल आपको 180-200 पे रखना होता है। 200? जी सर। ठीक है, और इस टाइप से इसमें भी अभी क्या देखा था सर आपने, जो सॉकेट मशीन में दोनों हीट हुए, दोनों तरफ से हीट हो गए थे। अभी जो हीटर का वर्किंग होगा वो इतना इतना पार्ट हीट हो गया इस मशीन में, तो इस टाइप से हीटर में इस टाइप से लगा दिए जाते हैं और ये हीटिंग होता है। अभी यहाँ पे क्या हो सर, इसको भी अपन को 2-5 मिनट के लिए रखना होता है, एक बार हीट होने के बाद कंटिन्यू लगा सकते। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये गर्म हो गया तो? जी सर, ये गर्म होने के बाद सर इस मशीन का प्रोसेस आता है, इस मशीन में बैंड रेडी होता है। ये आप देख सकते हैं सर, ये ट्रे है, इस ट्रे में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ये पूरी भरनी है ट्रे को अपन को? जी सर, ये ट्रे को पानी भरना होता है, इसमें दो डाइयां लगी हैं, दो आप देख सकते हैं आधा इंच का है और ये दो 1 इंच के। ठीक है, इसमें बैंड रेडी होता है, ये पानी जो भरते हैं सर ये डाई को ठंडा होने के लिए भरते हैं। अच्छा, क्यों जो बैंड है क्या गर्म होता है, फिर इसको इसका आकार लेना होता है बैंड का 90 डिग्री का 110 डिग्री का, तो इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ये ठंडा नहीं होगा तो एकदम मुड़ जाएगा, इसलिए। ये देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप से हीट हुआ है, और इसमें भी सर अपन को ये कंप्रेसर का कनेक्शन करना होता है और इसमें भी पैर से पुश करना होता है। अच्छा,
ये जो आप रबड़ है वो क्या मतलब प्रोसेस है इसकी? सर ये रबड़ का प्रोसेस, इस पाइप हीट होता है तो इस रबड़ को इस पाइप के अंदर डालना होता है। डालने के बाद स्टेप से डाई के अंदर लगानी होती है और फिर इसको पैर प्रेस करना होता है। अच्छा, इससे यानी कि वो आकार बिगड़े नहीं पूरा रबड़ से? जी सर। जी ये देखिए सर, आप देख सकते हैं मैंने हीटर से पाइप को लिया है, ये हीट हो गया है, मैंने इसमें रबड़ डाला है। रबड़ डालने के बाद ये डाई को पैर की सहायता से पुश किया है, अभी यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद इसको पैर को पुश करेंगे, ये अभी जब तक करेंगे जब तक इस वाली डाई को दूसरे को इस साइड जब तक नहीं लगा। जी सर, थोड़ा देर आपको एक दो सेकंड के लिए रखना होता है जब तक वो आकार ले ले। अब यहाँ पे बात करते हैं बिजली की, तो क्या मतलब सिंगल फेज की जरूरत पड़ती है या फिर थ्री फेज की? सर इसमें नॉर्मली अपना जो घर का लाइट होता है सिंगल फेज, उससे आसानी से ऑपरेटिंग कर सकते हैं, कोई अलग से लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब बात आती है मुनाफे की। जी सर। कि अगर कोई भी ये प्रोडक्शन तैयार करता है तो उसमें मुनाफा कितना मिल जाता है? जी सर, सर पर पीस पे मार्केट में सेलिंग के लिए जाते हैं तो पर पीस पे आसानी से 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता है मार्केट में। अच्छा, उसके बाद में इस मशीन में कोई गारंटी वारंटी? जी सर, मशीन का जो वारंटी है वो 6 मंथ का वारंटी है। अच्छा, एक और माइंड में चलता है कि अब ये तो इसकी कीमत, सबसे पहले कीमत बता दीजिए इसकी। जी सर, सर इस मशीन के पूरे सेटअप का जो कीमत है वो 1,25,000 है प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा है। अच्छा, यानी कि अगर बंदा 1,25,000 अगर खर्च कर रहा है और उसका बिजनेस सेट नहीं हुआ है तो कंपनी क्या सपोर्ट करती है? सर अगर इतना स्टार्ट कर रहा है, इतना महंगा प्रोजेक्ट लगा रहा है तो इसके लिए भी कंपनी सपोर्ट कर रही है। 6 महीने का एग्रीमेंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा सर, उसमें जब तक मार्केट सेट नहीं होता है तो वो बाय ट्रांसपोर्ट अपना मटेरियल यहाँ पे भेजे, यहाँ से उनको पर पीस का डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस दिया जाएगा। अब एक सवाल और आता है मैम कि इसको मतलब ऑपरेट करने के लिए क्या जेंट्स ही कर सकता है या फिर लेडीज भी कर सकती है? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी आसानी से लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन है जो वर्किंग करना चाहता है वो भी आसानी से इस मशीन को छोटे से घर में लगा के अपने एक कमरे से स्टार्टिंग इस अच्छे से उद्योग को लेके आगे तक बढ़ा के ले जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि इसमें कोई सर्विस मेंटेनेंस का भी आता है? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है जी, धन्यवाद। जी सर, आपका भी धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों, आपने देखा है कि हमने यहाँ पे इस मशीन से किस प्रकार 90 डिग्री कोण में एल्बो यानी कि पीवीसी बैंड तैयार किए हैं। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप घर बैठे भी खरीद सकते हैं। कीमत इसकी 1,25,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है। ट्रांसपोर्ट यानी कि डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। साथ में अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज किसान टीवी पर देख रहे हैं तो आप उसे फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।